वही हुडसन हॉर्नेट एक ऐसी गाड़ी है जो आपने लगभग देखी होगी, कहाँ पे? कार्स मूवी पे यार, एक मूवी है जिसका नाम कार्स है, वहाँ पे इसने देखा होगा कि आपने बहुत सी रेसेस जीती थी, बहुत सी चैंपियनशिप भी जीती थी। क्या जो उस मूवी में बताया गया था कि भाई ऐसा ऐसे इसने चैंपियनशिप जीती थी, ये वही सच्ची में थी? हाँ भाई, पूरा तरह सच्ची में नहीं थी, लेकिन इसने भाई हुडसन ने जो आपकी रेसेस जीती थी 1951 से लेकर 1954 तक जो है, काफी सारी भाई इसने रेसेस चैंपियनशिप जो है अपने नाम हासिल करी थी, जैसे कि NSA कार चैंपियनशिप इन 1951, 52 एंड 53 में जीती थी। AAA स्टॉक कार टाइटल इनके नाम हुआ था 1952, 53, 54 में। ओवरऑल इन्होंने भैया टोटल जो है 131 AAA NAS कार, मतलब की रेस इन्होंने जीती थी 1951 से लेके 1954 तक। इसका पूरा नाम फेबुलस हुडसन हॉर्नेट था। ये गाड़ी भी अपने आप में एक बहुत रेयर थी और बहुत ही ज्यादा कमाल थी यार, मतलब कहने का हूबहू वैसे ही थी जैसे कि आपको मूवी में दिखाई गई थी। मतलब आगे में फ्रंट में वो मैसिव सा ग्रिल और साइड में देखें तो एक लंबी सी सेडान फुल साइज की और 5 सीटर आपको मिलती थी। पीछे की तरफ देखें तो वही आधे से ज्यादा वही इसके टायर जो है आपकी बॉडी में ही चले गए थे, मतलब उस तरीके का बनाया गया था ताकि ये ग्राउंड से टच होके ये गाड़ी रहे, ताकि मतलब इसको रेस करने में कोई ज्यादा दिक्कत ना हो, इस तरीके का इसका जो है डिजाइन तैयार करा गया था। इसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टाइप का इंजन मिलता था, क्योंकि उस टाइम में जो इंजन यूज करे गए थे, जो कि इस गाड़ी में यूज करा गया था, बहुत ज्यादा रेयर था, जो कि 5.0 लीटर का इसमें आपको ह्यूज इंजन मिलता था जो कि 6 सिलेंडर में आता था। जैसे कि आपको बताया ये इंजन जो है बहुत ज्यादा कम गाड़ियों में देखा गया था। भाई 2 बैरल कार्बोरेटर वर्जन के साथ ये जो प्रोड्यूस करती थी ना 145 HP, लगभग 300/73 न्यूटन मीटर का टोर, 180.2 किलोमीटर पर आर, तो ये ऐसे चुटकियों में पहुंच जाती थी। ये आपको बहुत सारे वर्जन में अवेलेबल थी, 2-डोर कूपे, 2-डोर सेडान में भी अवेलेबल थी, 4-डोर सेडान में अवेलेबल थी, 2-डोर हार्डटॉप, 2-डोर कन्वर्टेबल भी आपको ये आती थी। इसका व्हील बेस लेंथ, विड्थ, हाइट, कर्व वेट जो है आपकी स्क्रीन पे दिखा देता हूं, आप चेक कर लो क्या इसका हिसाब था। वैसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा कम मौका मिलता है ऐसी गाड़ियों को जो कि भाई मूवी में काम करने को मिले, वैसे ये गाड़ियों को भाई रोल देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हीं गाड़ियों को मिल पाता है जो कि भाई अपने इतिहास में कुछ कर दिखाया हो, जिसने जिन गाड़ियों ने अपने इतिहास में कुछ बड़ा काम करा हो, उन्हीं गाड़ियों को लगभग जो है यहाँ पे मौका मिलता है मूवीज वगैरह में। तो ये उनमें से एक गाड़ी थी जिसको भाई मौका मिला था कार्स मूवी में, और वहाँ पे भाई बहुत अच्छे तरीके से इस गाड़ी को दिखाया भी गया था, इसके फीचर्स, इसके रेसेस, मेरे को बढ़िया लगा यार वो चीजें। तो यार ये थी कुछ हुडसन की कहानी भाई, और आपको कैसी लगी मेरे को बताना जरूर से कमेंट में। फिलहाल इतना ही था यार वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।